दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बॉलीवुड की कई मशहूर अभिनेत्रियों ने भी राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि गंदी फिल्में बनाने और उन्हें अपने ऐप पर रिलीज करने के मामले में पुलिस राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर चुकी है। बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने भी राज कुंद्रा के बारे में ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि राज कुंद्रा ने उनका शारीरिक शोषण किया है और न जाने कैसे कैसे उन्होंने खुद को उस भेड़िए के चंगुल से बचाया। उन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ इस केस में FIR भी दर्ज करवाई थी। दरअसल शर्लिन चोपड़ा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि साल 2019 में राज कुंद्रा ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया था, ये कहकर कि बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है, जहां पर उन्होंने गंदी बात करने की कोशिश की थी। इसके बाद मार्च 2019 में वो बिना बताए मेरे घर पर आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मना करने के बाद भी किस लगातार करते रहे। शर्लिन ने राज कुंद्रा को यहाँ तक भी कहा था कि वो शादीशुदा आदमी के साथ ये सब नहीं करना चाहती। इस पर राज ने शर्लिन से कहा कि शिल्पा शेट्टी से वो ज्यादा खुश नहीं है और वो ज्यादातर घर पर तनाव में रहते हैं। शर्लिन चोपड़ा ने यह भी बताया कि उन्होंने राज कुंद्रा को जबरदस्ती करने से मना किया और बहुत ज्यादा डर भी गई थी। बाद में एक्ट्रेस ने राज कुंद्रा को धक्का देकर अपने आप को बाथरूम में बंद करके खुद को बचाया। बात साल 2019 की है तो ज्यादा किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब राज कुंद्रा की बदतमीजी जग जाहिर होने के बाद ये सारी घटनाएं ताजा हो गई हैं। खैर, गंदी फिल्में बनाने के मामले में राज कुंद्रा अकेले तो जिम्मेदार नहीं हैं। इस मामले में अभी ढेर सारे खुलासे होने बाकी हैं।